जनपद रुद्रप्रयाग में पुलिस विभाग द्वारा धनतेरस और दीपावली त्यौहार को सकुशल और सुरक्षित ढंग से मनाए जाने को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में सीओ प्रबोध कुमार घड़ियाल ने बताया कि जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारी और स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक कर आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और सही ढंग से किए जाने संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यापारी त्यौहार के समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। वहीं दीपावली पर्व को देखते हुए आतिशबाजी सामग्री बेचने और व्यापारी आतिशबाजी बेचने हेतु नियमानुसार संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लाइसेंस बनवाने के पश्चात ही आतिशबाजी की दुकानें लगाए। सबसे पहले आपको भी और आपके माध्यम से सभी को भी दिवाली की और धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चूँकि पुलिस परिवार का इसमें एक विशेष सभी लोगों से हमने बैठकें भी कर ली, सीआरजी की मीटिंग भी ले ली है, यहाँ की जो व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं उनसे भी बातें हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से बस केवल एक अपील ही करना चाहूँगा कि क्योंकि एक तो हमारी यात्रा भी चल रही है, यात्रा भी उस टाइम पर रहेगी और जो बाज़ार में धनतेरस में भीड़ रहती है तो उसमें भी थोड़ा सा मैं व्यापारियों से भी यहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा क्योंकि जो लोग लोकल के हैं वो तो कम से कम जो है अपने वाहनों का प्रयोग कम करें, बहुत आवश्यक हो तभी अपने वाहनों का प्रयोग करें क्योंकि बाज़ार में हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं क्योंकि भी व्यापारियों को जो है बाज़ार।